आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। जनरली हम अपने घरों में केले लेकर आते हैं और कई बार क्या होता है, वो केले बच जाते हैं, उनको हम नहीं खाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इन केलों का क्या करें, तो कई बार तो हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद, कभी भी पके हुए केलों को नहीं फेंकेंगे, आप हमेशा इसको यूज करेंगे और बल्कि आप इसको रख रख कर ज्यादा ओवर राइप करेंगे, क्योंकि केलों में वैसे ही बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हमें अपनी डाइट में केलों को जरूर शामिल करना चाहिए। और जब ये ज्यादा ओवर राइप हो जाते हैं तो इनमें जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज हम इससे बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो मेरे केले हैं वो थोड़े से ओवर राइप हो गए हैं, तो इनको मेरे बच्चे नहीं खा रहे, तो मैं इनको अब एक बहुत ही टेस्टी से डिश बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी का यूज किया है, 10 से 15 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, 10 से 15 काजू, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, और ये जो सूखा नारियल होता है उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर जो मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी ले सकते हैं। और मैं इसको गुड़ के साथ बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने जो 4 डलियां थी गुड़ की, इनको मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप चाहो तो इसको चीनी के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो इसकी जगह पे मैंने बीच में जितना मैंने कम किया उसमें मैंने 2 चम्मच ये मैंने बेसन ले लिया। आप चाहो तो इसको पूरा बेसन के साथ बना सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा आटे के साथ बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हम इन केलों को छील कर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिये, मैंने केलों को छील लिया है, और इसके छिलकों को भी फ्रेंड्स आप मत फेंके, जो केले के छिलके होते हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आपके पास पौधे हैं तो आप इनको सुखाकर इनका पाउडर बनाकर पौधों में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप इनको सुखाना नहीं चाहते तो इनको पानी में भिगोकर आप रख दीजिए और अपने किसी भी प्लांट में दीजिए, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इनको छोटा छोटा काट कर और एक मिक्सी के जार में डालकर इनका हमें एक बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मोटा मोटा काट रही हूँ क्योंकि हमें इसे पीसना ही है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने केलों को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है, इसमें हम ये 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसको गर्म होने देते हैं। अब जो घी है वो थोड़ा सा गर्म हो गया, इसमें हम जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिया था, हम ये डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, आप इसको चाहो तो कच्चा भी यूज कर सकते हैं, पर इसको रोस्ट करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एक ही मिनट करेंगे इसको हम, और लगातार चलाते हुए हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मैंने इसको 1 मिनट के लिए किया था, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया, अब मैं इसमें ये आटा डाल दूंगी। गैस को मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर दिया, और साथ साथ मैंने जो 2 चम्मच बेसन लिया था ये भी डाल दूंगी, और इसको अब हमें अच्छे से भूनना है कि जब तक कि इसमें से आटे का और बेसन का कच्चापन ना निकल जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा घी डाल दूंगी। अगर आपको कम घी पसंद है तो आप इसको कम घी में भी बना सकते हैं, और इसको हम लगातार चलाते हुए भून। अब ये देखिए, मुझे आटे और बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, और एक बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और ये सब काम आपको मीडियम फ्लेम पर करना है, एकदम हाई फ्लेम पर आपको इसको नहीं भूनना है। अब जो हमने ये केला पीसा था ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी हमें भूनना है। एक बार केला डालने के बाद आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से हम भूनेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये मिठाई बनकर बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से घी रिलीज ना हो जाए और जो केले का कच्चापन है वो चला ना जाए। अब 1 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने ये गुड़ वाला पानी बनाकर रखा था ये भी इसमें डाल देंगे।
आपको अगर गुड़ पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। मैं इसको गुड़ को छान कर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर गुड़ में कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो छन कर निकल जाएगी। और अब हम गुड़ के पानी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हम बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से घी ना निकल जाए। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसमें फूड कलर का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा केसर यूज करूंगी। ये देखिए मैं इसमें 5 से 7 धागे केसर के डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। इसको अब हमें अच्छे से पकाना है। आप की क्वांटिटी को देख लीजिएगा, आपको जितना मीठा चाहिए आप उस हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी को इसमें डाल सकते हैं। और इसको अब हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी जिससे कि इसमें एक अच्छी शाइन आ जाए और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाए। अब ये देखिए सारी चीज अच्छे से पक गई है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखा था उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहो तो उसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं और मैं इसमें ये डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर 1 मिनट के लिए और इसको भून लेंगे। अब ये देखिए ये जो हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको आप हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसकी मिठाई बनाएंगे। इसको हम एक ट्रे में जमा कर इसकी अब हम बर्फी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि आप इसको हलवे की तरह भी खा सकते हैं, तो इसको हम हलवे की तरह भी सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी है। आप जो दाल का हलवा खाते हैं, बेसन का हलवा खाते हैं, मूंग की दाल का खाना भूल जाएंगे, आप हमेशा इसी तरीके से हलवा बनाकर खाएंगे। और बाकी मिक्सचर को मैं, ये मैंने एक केक बनाने वाला लिया, इसमें जमा दूंगी। अगर आपके पास ट्रे है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं या फिर किसी थाली में या प्लेट में घी लगाकर उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं। अब मैं सारे मिक्सचर को इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसमें सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर दिया और जो ड्राई फ्रूट मेरे पास बचा हुआ ये भी हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर देखिएगा। आप सब तरीके की बर्फी मिठाई खाना भूल जाएंगे और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ और केले का जो यूज किया है साथ में हमने आटे का यूज किया, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है, हमें इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। अब देखिए इस बर्फी को सेट हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। अब एक चाकू से हम इसको पीसेस में कर लेंगे। आप इसके किसी भी तरीके के पीस कर सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर में कर रही हूँ। आप छोटा बड़ा अपनी पसंद के अनुसार कैसा भी इसको काट सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए आपको इसके काटने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बनी है। और मैं इसके बहुत ज्यादा बड़े पीस नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटा इसका मैं पीस बना रही हूँ। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। एक मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। कोई कह सकता है कि इसको हमने पके हुए केले के साथ बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। अगर आपको मेरा ये केले से बर्फी बनाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। फ्रेंड्स इस बर्फी को आप पूरा 1 महीने तक भी स्टोर कर रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में भरकर आप इसको रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी।